है जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, मतलब अन्य भी बीमारियां उनके शरीर के अंदर हो, और जो हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चूंकि उनको हमेशा आगे बढ़ के इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो उनकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। हमारे साथ आज मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री, जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि बिहार ओमिक्रॉन को लेकर कितनी तैयार है। ओमिक्रॉन की पूरी तैयारी की हुई है, और जब से नवंबर के अंतिम सप्ताह से जानकारी मिली है, तो हम लोग लगातार टेस्टिंग को भी बढ़ा के रखे हुए हैं। औसतन लगभग 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग करते हैं, और जीवन सिक्वेंसिंग भी कराने की व्यवस्था राज्य के अंदर IGMS में हम सब लोगों ने की है। अभी तक जितने सैंपल्स आए हैं, जो ज़रूरत पड़ा उसको बाहर हम लोगों ने भेजा है, और कोई अभी तक ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस नहीं आया है। लेकिन देश के कई राज्यों में ये फैल चुका है, 700 से अधिक केसेज हो चुके हैं, तो बिहार में भी कभी भी दस्तक दे सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि जो भी नए नए वेरियंट आए इसी तरीके से आए हैं, तो हमें सावधानी रखना होगा। हमें कोरोना के अनुकूल जो स्वयं के अंदर अनुशासित व्यवहार करना है वो करना होगा, और आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा लोगों से कि जो नई वर्ष की खुशियां मनानी है उसमें भीड़ भाड़ से बचें, सावधानी रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, और हम सब लोग मिलके, सरकार जहां एक तरफ पूरी तैयारी कर रही है, वहां जनता भी मिलके, हम सब लोग मिलके इस कोरोना और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सर, अभी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीका आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों में भी अभी पूरी तरह से सहमति नहीं है इस वैक्सीन को लेकर। नहीं, 15 साल से 18 साल का टीका तो देना है, और सब ये असहमति की जानकारी मुझे असहमति की जानकारी मुझे नहीं उस पर लेकर थोड़ा सा ये नहीं, मुझे कोई विधिवत ऐसी जानकारी नहीं। मेरा एक और सवाल है, अभी जो ओल्ड एज को लेकर जो बूस्टर जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे ओल्ड जो थे वो वैक्सीन लगाने को भी तैयार नहीं थे, और जब वैक्सीन लग गई, अब तीसरा डोज वो लेंगे, तो उनका कहना है कि अब वो लगाने या ना लगाने से उसका क्या फ़ायदा है। वो जैसा कि दुनिया के कई देशों में यह प्रयोग में आया है, और काफ़ी भी भारत के अंदर भी उसको लेके प्रयोग हुए हैं, और जो स्वास्थ्य क्षेत्र के हमारे वैज्ञानिक हैं उन लोगों की सहमति के बाद ICMR का गाइडलाइन आया है, भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन आया है, कि जिसको एहतियाती डोज कहते हैं या बूस्टर डोज कहते हैं, जिसको प्रिवेंशन के लिए कहते हैं, वो डोज हम लोगों को जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को देना है, जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, मतलब अन्य भी बीमारियाँ उनके शरीर के अंदर हों, और जो हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चूंकि इनको हमेशा आगे बढ़ के इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो उनकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, मतलब अन्य भी बीमारियां उनके शरीर के अंदर हों, और जो हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चूंकि इनको हमेशा आगे बढ़ के इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो उनकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। मैं नहीं कर सकता, और ना आपके तर्कों का जवाब मैं दे सकता, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूं, और मैं उतना ही बता सकता हूं जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक या चिकित्सक विभाग को जानकारी देते हैं, तो उन लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार दुनिया के कई देशों में जो इस प्रकार के डोज पड़ रहे हैं, अब अपने देश में भी दिया जा सकता है, और उसके देने का ये कार्यक्रम बना है।